इंदौर के हीरानगर और क्राइम ब्रांच पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए सागर बिहार के पास से अरबी पुल क्लब में छापा मार कर वहां से 85 पेटी देशी शराब जब्त की है। जब्त शराब की कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। मौके से पुलिस ने एक चौकीदार को हिरासत में लिया है, वहीं आरोपी की तलाश जारी है। दरअसल यह घटनाक्रम कल रात्रि लगभग 11:15 बजे का है, जो कि सागर बिहार कॉलोनी जो कि खातीपुरा के पास स्थित है, वहाँ स्थित आरवी पूल क्लब नामक स्थान पर यह सूचना थी कि वहाँ पर चार आरोपी काफ़ी मात्रा में शराब का संग्रहण किए हुए हैं और वहाँ कहीं और ले जाने की फिराक में हैं। इस सूचना पर थाना हीरानगर का बल और क्राइम ब्रांच के दल के द्वारा संयुक्त रूप से वहाँ दबिश दी गई। मौके पर एक कार के पास चार लोग खड़े दिखे थे, जो पुलिस को देख के भागने लगे, जिसमें से एक व्यक्ति को मौके पर ही पकड़ा जा सका और तीन भागने में सफल हुए, जिनके नाम विकास नागपुरे और इसके अलावा एक रितेश और एक विक्की उर्फ विक्रांत नाम आया है। इसके अलावा मौके पर एक अशोक शिंदे नामक व्यक्ति पकड़ा गया, जो कि उस जगह का अपने आप को चौकीदार होना बताता है। उस स्थान की तलाशी लेने पर वहाँ अवैध रूप से रखी हुई 85 पेटी देशी मदरा शराब के क्वार्टर बरामद हुए, जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 4.25 लाख रुपए से अधिक है और जब्त शराब की मात्रा लगभग 735 लीटर के आसपास है। जो आरोपी फरार हुए हैं उनकी तलाश की जा रही है। पकड़े हुए आरोपी अशोक से जो पूछताछ की गई है, उससे यह बात सामने आई है कि भागे हुए आरोपी यह काम अवैध रूप से शराब के क्रय विक्रय हेतु कर रहे थे। आरोपियों की तलाश हेतु कार्रवाई चल रही है और इसमें आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण का पंजीयन किया गया। सर, ये आरोपी और कितने इसमें आरोपी है अभी और ये कहां से कहां ले जाएंगे? ऐसी चूंकि यह व्यक्ति जो हमारे पास अभी गिरफ्तारी में आया है, इस व्यक्ति के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार किसी अज्ञात जगह से ये आरोपीगढ़ जो कि फरार हैं, विकास नागपुरे और रितेश और विक्रांत, इनके द्वारा यह धंधा किया जा रहा था और जिस वाहन में ये इकाई उपयोग करते थे वह वाहन भी पुलिस ने जब्त किया है। एक बाइक भी हमने मौके से जब्त की है और जो आरोपी फरार हैं इनके पकड़ने के बाद ही यह स्थिति स्पष्ट हो सकेगी कि आखिर ये इनका ये शराब का स्रोत क्या है और यह कहां कहां सप्लाई करते थे।